दोस्तों शाहरुख खान फिलहाल फिल्मी दुनिया से दूर चल रहे हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ही उनके बेटे आर्यन खान ने द लायन किंग में अपनी आवाज से खूबसूरत डबिंग की है और इसी के साथ इन्होंने अपना फिल्म में डेब्यू भी कर लिया है। इंडस्ट्री में 27 साल पूरे कर चुके शाहरुख के लिए शुरुआती दिन काफी स्ट्रगल भरे रहे थे और आज हम बात करने वाले हैं उनके स्ट्रगलिंग के दिनों की एक फिल्म चमत्कार की। इस फिल्म की तस्वीरें आजकल खूब वायरल हो रही हैं। ये फिल्म 1952 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में शाहरुख के अपोजिट उर्मिला मातोंडकर नजर आई थी। इस फिल्म की बिहाइंड द सीन फोटोज को देखकर साफ पता चलता है कि इन्होंने फिल्म की शूटिंग के दौरान कितनी मस्ती की होगी। फिल्म में शाहरुख और उर्मिला के अलावा नसरुद्दीन शाह भी मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन इसके गाने आज भी लोग काफी पसंद करते हैं। इस फिल्म में शाहरुख की परफॉर्मेंस को भी काफी सराहा गया था, तो वहीं आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस फिल्म चमत्कार के कैरेक्टर्स के रियल लाइफ हस्बैंड एंड वाइफ के बारे में। दोस्तों आप इस फिल्म में काम करने वाले एक्टर्स को तो बखूबी जानते होंगे, लेकिन शायद ही आप जानते होंगे कि इनके रियल लाइफ पार्टनर कौन हैं। तो आज हम आपको उसी की जानकारी देने वाले हैं। नसरुद्दीन शाह ने इस फिल्म में एक भूत का किरदार निभाया था, जिसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और उसकी आखिरी इच्छा को पूरा करने में शाहरुख खान मदद करते हैं। इस फिल्म में नसरुद्दीन शाह के कैरेक्टर का नाम था मार्को यानी अमर कुमार। तो उनकी पत्नी के बारे में बात करें तो उनकी पत्नी है रत्ना पाठक, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री और टीवी की दुनिया की एक बहुत ही फेमस एक्टर है। इन्होंने कई टीवी शो में काम किया है, इसके अलावा बॉलीवुड में भी इन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। इन्हें आप खूबसूरत में फवाद खान की माँ के रूप में देख सकते हैं। अब अगर बात करें शाहरुख खान की, तो शाहरुख खान का इस फिल्म में सुंदर श्रीवास्तव का कैरेक्टर था और उनकी रियल लाइफ पत्नी के बारे में तो सभी जानते हैं कि उनकी पत्नी है गौरी खान। गौरी खान एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं और प्रोफेशन से वो एक इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं, जो सिर्फ अपनी चुनिंदा खास लोगों के ही घर डिज़ाइन करती हैं और इसके लिए बहुत मोटी रकम भी लेती हैं। इन्होंने मुकेश अंबानी, रोबोल्टो कवाली और रॉल्फ लॉरेन के घरों को डिज़ाइन किया है। इसके अलावा उन्होंने करण जौहर, जैकलिन फर्नांडिस और सिद्धार्थ मल्होत्रा के घर को भी डिज़ाइन किया है। अब अगर उर्मिला की बात करें तो उर्मिला इस फिल्म में बहुत ही क्यूट सी लड़की माला के रोल में नजर आई थी। उर्मिला के रियल लाइफ हस्बैंड हैं मोहसिन अख्तर मिर, इनके हस्बैंड प्रोफेशन से एक मॉडल हैं। अब अगर बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार टीनू आनंद की बात करें तो टीनू आनंद का कैरेक्टर इस फिल्म में कुंटा था और उनकी रियल लाइफ वाइफ की बात करें तो उनकी वाइफ का नाम शहनाज वाहनवती है। ये भी बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस रह चुकी हैं और इसके अलावा ये एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी हैं। दोस्तों वहीं इस फिल्म में शमी कपूर ने भी एक कैरेक्टर प्ले किया था मिस्टर कॉल का, जो कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं और उर्मिला के पापा होते हैं। अब अगर उनकी रियल पत्नी के बारे में बात करें तो शमी कपूर ने दो शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी थी गीता वाली और उनकी दूसरी पत्नी थी नीला देवी। नीला देवी गुजरात के भावनगर की रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी और इन्होंने 1969 को नीला देवी से शादी की थी। दोस्तों इस फिल्म में आशुतोष गोवारिकर ने भी एक छोटा सा रोल किया था और इनके कैरेक्टर का नाम था मोंटे। तो अब अगर आशुतोष गोवारिकर के रियल लाइफ पत्नी के बारे में बात करें तो उनका नाम है सुनीता गोवारिकर। सुनीता गोवारिकर एक इंडियन मॉडल हैं और इसके अलावा ये एक फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। इस फिल्म में अली असगर ने राकेश का रोल प्ले किया था और रियल लाइफ में अगर उनकी वाइफ की बात करें तो उनका नाम है सिद्दिका असगर। सिद्दिका असगर एक हाउसवाइफ है। कॉमेडी के बादशाह जॉनी लिवर ने भी इस फिल्म में एक कैरेक्टर प्ले किया था और उसका नाम था बैटरी। अब अगर जॉनी लिवर की रियल लाइफ पत्नी की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम सुजाता लिवर है। सुजाता लिवर से जॉनी ने 1984 में शादी की थी। जॉनी लिवर के दो बच्चे हैं, जिनमें से इनके बेटे का नाम जेसी लिवर है, जो एक एक्टर और म्यूजिशियन है। वहीं इनकी बेटी का नाम जेमी लिवर है, जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन और एक्ट्रेस हैं। अब बात करें बॉलीवुड फिल्मों के दिग्गज एक्टर देवेन वर्मा की, तो इस फिल्म में इन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभाया था। देवेन ने बहुत सी फिल्मों में काम करके अपनी एक्टिंग से लोगों को अपना दीवाना बनाया है। वहीं अगर इनकी बीवी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम रूपा गांगुली है, जो कि लेजेंडरी एक्टर अशोक कुमार की बेटी है।
तो दोस्तों, क्या आपको चमत्कार फिल्म पसंद आई थी? चमत्कार फिल्म के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलूंगी फिर मैं आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।